नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे 20 से भी ज़्यादा ऐसे पौधों के बारे में जिनको कि आप अगर एक बार लगा लेते हैं तो वो प्लांट सालों साल हमारे गार्डन में चलते हैं, और उन पौधों को आप कभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये सभी परमानेंट प्लांट होते हैं और हार्डी प्लांट होते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हम ले लेते हैं मधुकामनी का प्लांट या फिर मोरैया पेनाकुलाटा का प्लांट। तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इस प्लांट को अगर एक बार हम लगा देते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में ये बना ही रहता है और चलता रहता है। और दोस्तों, इस पौधे को आप कभी भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा, ये है कुंदा का प्लांट। तो कुंदा के प्लांट में इस तरह के लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप चाहें तो इसको वाइन बना सकते हैं किसी चीज़ का सहारा देके, और आप चाहें तो इसकी कटाई छटाई करके इसको बुश प्लांट का आकार भी दे सकते हैं। तो ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है, एक बार जब इसको लगा देते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस में देसी वैरायटी है ये, और जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो थोड़ी सी जो है नाजुक होती है, उसको गर्मियों में संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये देसी वैरायटी गर्मी हो या सर्दी हो, पूरे साल ही इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और दोस्तों, देसी वैरायटी में तीन कलर हैं हमारे पास, जैसे पिंक कलर है, वाइट कलर है और एक रेड कलर है। तो इस प्लांट को आप एक बार लगा दें और सालों साल ये पौधा हमारे गार्डन में चलता ही रहता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो ये एक पूरा पेड़ बन जाता है, और फ्लावर भी बहुत ही सुंदर आते हैं। और दोस्तों, इस पौधे को आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बहुत हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो इसकी कटिंग आप जो है पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और सॉइल में भी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा ही प्लांट है ये हमारा रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी का प्लांट भी आप एक बार लगाएं तो फिर हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। और दोस्तों, रात की रानी के पौधे में भी लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। तो सर्दियों में भी हमने आपके साथ इसके फ्लावर जो है शेयर किए थे, और अब भी काफ़ी गर्मियां हैं और फूलों के बंच अब भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है, और इसको आप कभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है ये हमारा, तो शायद अभी इसका नाम है ना हमें याद नहीं आ रहा है। तो इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन है, और इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। और इसको अगर एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर सालों साल ये हमारे गार्डन में बना ही रहता है। इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन पत्तियों में कलर वेरिएशन के कारण ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इस पौधे को आप कभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो कनेर में जो है कई कलर आते हैं, वैरायटी अलग अलग आती हैं, जैसे डॉफ वैरायटी है, लार्ज वैरायटी, मीडियम वैरायटी, और छोटे फ्लावर आते हैं। जो लार्ज वैरायटी होती है उसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं।
बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार इसको अपने गार्डन में लगा लें, फिर कभी भी आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कलर भी इसमें ढेरों आते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को भी आप नर्सरी से ला के कभी भी साल के 365 दिन में से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और ऐसा ही प्लांट है हमारा लैंटाना का प्लांट। तो लैंटाना का प्लांट भी बहुत ही सुंदर एक परमानेंट प्लांट होता है, और इसकी इतनी छोटी सी कटिंग भी चल जाती है। ये हमारे हाथ से अभी अभी टूट गई है। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी आप बिल्कुल एक बार ला के अपने गार्डन में ऐड कर लें तो दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के छोटे छोटे से बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों में फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगा दे बस, फिर कभी भी आपको इसके लिए नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगला है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी जैसे वाइट कलर, पर्पल कलर और ब्लू कलर, तीन कलर अभी तक हमने देखे हैं। और दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार ले आएँ और फिर ये एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना देता है, क्योंकि इसके सीड जहाँ भी गिरते हैं वहीं पर इसके प्लांट निकल आते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कभी भी कहीं से भी ला के एक बार लगा दें, सालों साल हमारे गार्डन में चलता ही रहता है और फ्लावर पूरी गर्मियां ये देता ही रहता है। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा ये एग्जोरा का प्लांट है। तो एग्जोरा में बंच में फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखा दें, ये जो है विंटर सीजन में बिल्कुल ही सूख गया था। इसकी ये जो है डंडियां ऊपर की ब्रांच सूख गई थी, लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है तो प्लांट दोबारा से ग्रीन हो जाता है, नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है, साथ ही फूलों के बंच भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है। आपको दिखा दें, इसका जो मेन तना है वो कितने बड़े साइज का हो रहा है, और ये कई सालों से इसी पॉट में लगा हुआ है। तो एक बार इस प्लांट को भी आप नर्सरी से ले आएं और अपने गार्डन में लगा दें, फिर कभी भी आपको इस पौधे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये प्लांट जो है कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। और अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में इस तरह के पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, और परमानेंट प्लांट होता है। इस प्लांट को भी आप गर्मी हो, सर्दी हो, कभी भी नर्सरी से ला के लगा दें। बहुत हार्डी प्लांट होता है और बिल्कुल दोस्तों कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल भी जाता है। तो इस प्लांट को भी आप एक बार नर्सरी से ला के लगाएँ, सालों साल ये आपके गार्डन में बना ही रहेगा और साथ ही साथ सुंदर सुंदर फ्लावर भी देता है। और अगला प्लांट है हमारा मोगरे का प्लांट। तो दोस्तों, मोगरे का प्लांट भी परमानेंट जो है फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और पूरे ही हमारे प्लांट में जो है कलियां भरी पड़ी हैं, पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप इस प्लांट को भी एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, फिर कभी भी ये प्लांट आपके गार्डन से नहीं जाता है। और पूरी गर्मियां हमें फ्लावर देता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, इनमें बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू आती है। और इस प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस वाले पॉट में हमने दो तरह की कटिंग लगा रखी है, तो इसलिए इसमें दो तरह के जो है फ्लावर खिल रहे हैं। इसमें एक बड़े साइज के आते हैं और इसमें ये छोटी कलियां बन रही हैं। तो इस प्लांट को भी आप एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों, अगला प्लांट ये है हमारा गुलदावरी का प्लांट। तो गुलदावरी का प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है। एक बार इसका एक प्लांट नर्सरी से ले आएं, फिर तो ये सैकड़ों प्लांट आपके गार्डन में फ्री में ही बना देता है। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से और डिवाइड करके बहुत ही आसानी से आप इससे सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी आप इस वक्त भी नर्सरी से ला सकते हैं और विंटर सीजन में भी
इसको आप नर्सरी से ला सकते हैं। पूरी सर्दी इसमें फ्लावरिंग आती है और इस वक्त भी हमारे जो है गुलदावरी के पौधों में फ्लावर आ रहे हैं। और अगला प्लांट है ये हमारा अलमांडा। तो अलमांडा की आप वाइन ले लें या प्लांट ले लें तो इसमें इस तरह के बन जाते हैं। अभी तो छोटा है और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों बिल्कुल ये ना विंटर सीजन में बिल्कुल ही सूख गया था और हमने इसकी कटाई छटाई कर दी थी और ये ब्रांच एक बहुत ही बड़ी निकल गई है। तो ये परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस पौधे को भी वाइन को भी आप एक बार नर्सरी से ले आएँ तो सालों साल ये हमारे गार्डन में फ्लावर देती रहती है। बहुत सुंदर परमानेंट वाइन होती है। और ऐसी ही है ये हमारी मधुमालती की वाइन। तो मधुमालती के साथ तो है ना ये तुलसी जी भी लगी हुई है और परमानेंट प्लांट होता है। तो मधुमालती में दोस्तों दो वैरायटी आती हैं, एक तो बुश वैरायटी आती है और एक आती है हमारी वाइन वाली वैरायटी। तो आप कोई सी भी वैरायटी को ला के अपने जो है गार्डन में ऐड कर सकते हैं और सालों साल भर ये प्लांट हमारे गार्डन में चलते ही रहते हैं। और बरसात के मौसम में आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ऐसा ही है हमारा टिकोमा। तो टिकोमा में भी बहुत सुंदर सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं। एक बार बस इसको नर्सरी से ले आएँ, दोबारा कभी भी आपको इस पौधे के लिए नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी टाइम इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है हमारा एस्पेरेगस का प्लांट। एस्पेरेगस एक बहुत ही सुंदर बल्बस प्लांट होता है, इसमें नीचे बल्ब होते हैं। तो आपको अभी दिखा दें, इसमें ये नीचे बल्ब बने हुए हैं। तो इस पौधे को भी आप एक बार ले आएँ तो सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है और इसको आप डिवाइड करके बहुत ही आसानी से ढेरों प्लांट बना सकते हैं और इस पौधे को आप कभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगला हमारा रेन लिली है। तो रेन लिली भी बल्बस प्लांट होता है और इसको भी आप इस टाइम अगर नर्सरी से ले आएंगे तो फिर इसमें बरसात के टाइम में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिलते हैं। हमारे पास तीन कलर हैं, एक वाइट, येलो और एक पिंक कलर। तो ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। एक बल्ब से ही सैकड़ों बल्ब ये बना देता है। एक बार बस आप इसके नर्सरी से दो चार बल्ब ले आएँ तो दोबारा कभी भी आपको इस पौधे के लिए नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनको अगर हम एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो उन पौधों के लिए दोबारा से नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो प्लांट सालों साल हमारे गार्डन में चलते ही रहते हैं और पूरा साल कभी भी आप उन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।